आप लोग ने कवरेज किया है, सपोर्ट किया है, साथ दिया है। तो अगर आप लोग नहीं होता तो शायद हम लोग इतना आगे भी नहीं बढ़ पाता। आप जितना हम लोग आगे बढ़ा बिकॉज ऑफ आप लोग का क्रेडिट है, क्रेडिटनेस का वजह से। और जितना यहाँ का जो आज हम लोग ने प्रोग्राम जो रखा है, सबसे आगे हम लोग आपके एसपी ऑफिस में रखा था। एसपी ऑफिस का हम लोग कोलाब्रेशन किया था, प्लांटेशन प्रोग्राम ड्राइव किया था, उसके साथ में हम लोग का कोलाब्रेशन किया था वन अरुणाचल और अरुणाचल प्रदेश एस कंट्रोल सोसाइटी और जीरो ड्रग्स जीरो और उसके बाद लोअर सुबनसिरी पुलिस का साथ में हम लोग कोलाब्रेशन करके आज हम लोग प्रोग्राम रखा था। तो वहाँ का जो हम लोग ने प्लांटेशन जो हम लोग आज किया है वो सक्सेसफुली रहा। देन उसके बाद में हम लोग फिर यहाँ महापुली टाउन में आया है। ट्रैफिक का जो हम लोग कैसा ट्रैफिक को फॉलो करना, ट्रैफिक रूल को कैसे हम लोग मैनेज करना है, बींग अ पब्लिक हम लोग कैसा इसको हम लोग अच्छा से वो बैलेंस में रखना है, कैसा इसको ऑपरेट करना है। तो आज हम लोग यहाँ अवेयरनेस दिया है ट्रैफिक रूल्स का। तो इसमें भी काफ़ी हम लोग का ट्रैफिक पुलिस का जो यहाँ का ऑफिसर्स है, इन्होंने भी बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, साथ दिया। और इसके साथ में हम लोग मेन मुद्दा हम लोग ये एक स्कूल को हम लोग चुना है जो हिल्स क्वीन स्कूल है। तो वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस दिया है एचआईवी एड्स और ड्रग्स का। तो वहाँ का जो प्रिंसिपल सर है रुबू लालियांग सर ने भी बहुत अच्छा से हम लोग को कोऑर्डिनेट किया है, बहुत अच्छा से हम लोग को कोऑपरेट किया है। उसके साथ में बहुत अच्छा से वहाँ में लोग ने रिसीव किया है, प्रोग्राम भी बहुत काफ़ी अच्छे से रखा है। और वहाँ हम लोग का जो टीम मेम्बर है, हम लोग एचआईवी एड्स का प्रोग्राम रखा था, तो अच्छे से हम लोग वहाँ प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। तो क्यों इसको चुना है बोलने से, बिकॉज वहाँ पे जितना जो स्टूडेंट है वहाँ पे है, तो हम लोग का जितना मम्मीज लोग है तो वहाँ का स्टूडेंट्स लोग को थोड़ा अवेयरनेस देगा, वो हम लोग ने वो स्कूल को हम लोग चुना था। टॉपिक क्या रहेगा मैम? तो ये इसमें हम लोग जो आज यहाँ जो प्ले करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग का मेन जो रहेगा आपका पॉलीगेमी, जो पॉलीगेमी को पॉलीगेमी अगर होता है तो कैसे फैमिली में इफ़ेक्ट पड़ता है, तो वो फैमिली इफ़ेक्ट में कैसे बच्चा लोग सब बर्बाद हो जाता है और बच्चा लोग किसे ड्रग्स में डूब जाता है, तो वो सबको आज हम लोग फ्लै करेगा। तो इसमें साथ में एक साथ में थोड़ा मैसेज है, मतलब ड्रग्स नहीं लेना है और ड्रग्स लेने का बाद में मतलब कैसा बच्चा बिगड़ जाता है, और उसके बाद में फिर वहाँ से एचआईवी एड्स पॉजिटिव हो जाता है, फिर उसके बाद में तो फिर प्रोस्टिट्यूट से वहाँ में प्रोस्टिट्यूट करने से मतलब एचआईवी हो जाता है। तो वो सबको आज हम लोग मतलब एक मम्मी लोग का थ्रो से सुंदर से हम लोग रोड शो में हम लोग फ्लाई कर रहा है। तो मैम आप लोग का आने वाला जो जितना भी अभी कितना इवेंट्स बाकी है, कुछ अपडेट्स हमारे पब्लिक को? तो हम लोग का ये अभी आपका होगा ये टैलेंट राउंड जो हम लोग का ये 25th को होगा आपका, ये एक्चुअली 3D होटल में। तो जितना भी यहाँ का पब्लिक है आप सबको रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ विटनेस बनने के लिए वहाँ पे आइए। एंड देन हम लोग का ग्रैंड फिनाले आपका होगा नागोपोटो में 28th को होगा। तो वहाँ पे भी जितना जो यहाँ का पब्लिक है प्लीज़ सबको हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोग सब वहाँ पे आइए 28 को विटनेस बनिए जितना मदर्स लोग को। और हम लोग का इस बार का जो बाहर से भी हम लोग का जो जज है बाहर से आ रहा है, मिसेस इंडिया का जो डायरेक्टर दीपाली मैम जो आ रहा है, तो बाहर का जो आ रहा है तो हम लोग का यहाँ का लोग बहुत अच्छे से मैडम को रिसीव करना है, तो आप लोग सब अच्छे से वेलकम करना है। तो हम लोग की तरफ से ये आप लोग को जितना यहाँ का पब्लिक लोग को रिक्वेस्ट है। सबसे पहले तो मैं जो कमिटी है मिसेस लोअर सुबनसिरी का, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, दे हैव चोजन एसपी ऑफिस फॉर देयर प्लांटेशन प्रोग्राम। आज उनके तरफ से एक प्लांटेशन प्रोग्राम रखा है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दी थीम दे हैव चूजन, थ्री प्लांटेशन एंड दी अवेयरनेस रिगार्डिंग ड्रग्स एंड ऑल द सोशल लेवल्स। तो वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि उन्होंने हमारा ऑफिस को आज चूज किया है एंड विल बी डूइंग प्लांटेशन एंड ऑल। तो सर जैसे कि इनका थीम ही है जीरो ड्रग्स जीरो, तो सर जैसे कि आप लोग यस्टरडे भी आप लोग का एक अपडेट दिया था कि आप लोग ड्रग्स पेडलर पकड़ रहे हैं सर, तो उसको आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह जो भी प्रोग्राम हो आजकल जीरो ड्रग्स जीरो को लेके ही कहा जाता है, तो सर आप लोग का डिपार्टमेंट उसको कैसे एक्शन ले रहे हैं? हाँ नहीं देखिए एडमिनिस्ट्रेशन का भी सक्सेस उसी में है जब जो स्टेक होल्डर है वो साथ में आ जाता है। तो आज का देखिए जीरो ड्रग्स इन एवरी प्रोग्राम द थीम दे ऑलवेज कंसिडर इज जीरो ड्रग्स। तो ड्रग्स का सबसे बड़ा फाइट है हमारा अवेयरनेस, लोगों का अवेयरनेस का बारे। तो आज भी जैसे आया तो जितना लोग अवेयर होंगे हमारा काम करने में हमारा ये बढ़ जाता है, जो सक्सेस रेट जो बोलिए है जो भी हो, जो हम लोग जो प्रिवेंशन जो करना कोशिश करता है जो भी हो, तो जब लोग अवेयर हैं तब हम कंट्रोल कर पाएगा। अदरवाइज वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट, बहुत बड़ा ये चीज़ है, जब तक अंतिल पब्लिक आर अवेयर पब्लिक आर पार्टिसिपेटिव वेरी डिफिकल्ट।
तो सर जैसे कल एक पेडलर पकड़ा गया, तो सर उसको अपडेट थोड़ा आप देना चाहेंगे हमारे पब्लिक को कि किस तरह किस क्वांटिटी में पकड़ा गया ड्रग्स? हाँ, क्वांटिटी जो था हमारा 10 ग्राम का था, सस्पेक्टेड टू बी हेरोइन, जिसके लिए हम लोग फॉरेंसिक लैब में हम लोग भेज रहे हैं। एंड वेरी अनफॉर्चुनेटली ही इज़ ए पुलिस पर्सनल ओनली, तो हमारा पुलिस हेडक्वार्टर के तरफ से, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है कि हमारा स्पेशली जो पुलिस पर्सनल वगैरह से, जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से वगैरह से भी कोई इस तरह का एक्टिविटीज़ में होगा तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड लीडिंग टू डेट। हम लोग कल एक नाहरलगन से भी इसी केस के थ्रू हम लोग पीछा करके नाहरलगन से भी एक लड़का को लेके आया। सो वी आर वर्किंग ऑन। आप लोग मिसेस लॉरेंस मेंस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पर आज प्लांटेशन प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो सर आप लोग का मेन मोटिव क्या है इसको ऑर्गेनाइज करने का? सर हमारा वन अरुणाचल की ओर से आप सबको धन्यवाद इस मीडिया कवरेज के लिए, स्पेशली हमारा मिसेस लॉरेंस मेंस्ट्री टीम को और यहाँ जो भी हमारा साथ एनजीओ जुड़े हैं। हमारा वन अरुणाचल ये पहला बार नहीं है, मिसेस लॉरेंस मेंस्ट्री लास्ट टाइम भी जब इन लोगों ने कंडक्ट किया तब भी हम लोग अवेयरनेस पार्टनर की ओर से तरफ से हम लोग आए थे, और लास्ट टाइम भी हम लोग क्लीननेस ड्राइव किया, जो पोटिन में बहुत सारा गंदगी पड़ा हुआ था उसको हम लोगों ने मिलकर साफ़ किया। तब भी हमने एक मैसेज देने का कोशिश किया कि हम लोग गवर्नमेंट को या किसी और को रिस्पॉन्सिबल देने से सोसाइटी साफ नहीं होगा, या तो अपना आस पड़ोस में हम खुद साफ नहीं करेगा तो दूसरा कोई आके साफ नहीं कर देगा। प्लस हम लोग एनवायरनमेंट को थोड़ा ध्यान रखते हुए, ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान रखते हुए आज का जो वातावरण है उसको आगे जो पीढ़ी है। मैम जैसे कि आप लोग का फाइनल डे में बहुत क्राउड रहता है, तो आप लोग कुछ लोकल एंटरप्रेन्योर को आप लोग चांस देगा वहाँ बिजनेस वजनेस करने का, कुछ स्टॉल लगाने का कुछ चांसेस आप लोग का तरफ से? हाँ, आप बहुत सही पूछे हैं और मेरे दिल का बात भी पूछे हैं। तो हाँ, गया सर जब हम लोग किया था तब आपका अराउंड ये 2 PM जैसा हो गया था, तो उस समय में भी पब्लिक लोग ऐसा था कि प्रोग्राम इतना अच्छा चल रहा फिर जा नहीं पा रहे, तो ऐसा को बहुत सा मतलब ऐसे बुक मतलब ऐसे में रह गया था, तो इसलिए उसको देखते हुए इस बार हम लोग रखा है। आप लोग कोई इंटरेस्टेड है तो वो नाइट के लिए आप लोग बेच सकते हैं, वहाँ पे स्टॉल लगा सकते हैं, लेकिन रिजनेबल प्राइस में, कोई हाई मतलब प्राइस हाई नहीं होना है, रिजनेबल प्राइस में जो अफोर्डेबल कर सकते हैं वो रखना है। तो अगर जो वहाँ में बेचना चाहता है तो हम लोग कमेटी मेम्बर से आप लोग बात कर सकते हैं, कंसल्ट करके वहाँ पर एक रात के लिए आप लोग फूड स्टॉल खोल सकते हैं। तो मैम स्टॉल खोलने के लिए उसके लिए क्या कुछ फॉर्म वगैरह ऐसा कुछ प्रोसेस है? हाँ हाँ होगा, मतलब वो हम लोग को मेरा नंबर को लेकर हमको कॉल करना है, तो उसमें हम प्रोसेस को बता देगा कि कैसे कैसे करना है और कैसा मतलब ना इसका वो डिटेल हम उसको फ़ोन में ही बता देगा। सेकेंड एडिशन मिसेस लॉरेंस मेंस्ट्री टीम का तरफ से आज 11 जुलाई 2024 को हम लोग एक प्लांटेशन ड्राइव कम अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं। तो ये प्रोग्राम का मकसद ये कि अभी जैसे कि हमारा वन अरुणाचल से भी कोलाबोरेट करके हम लोग को जो मैसेज दिया है, द सेम मैसेज हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा लॉरेंस मेंस्ट्री और भी ग्रीनरी हो, और भी एफोरेस्टेशन हो, क्लाइमेटिक कंडीशन सुटेबल रहे, ये हम लोग का एक मुद्दा है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग का ड्रग्स अवेयरनेस कैंप वो भी हो रहा है, और रोड शो ऑन अवेयरनेस, ट्रैफिक अवेयरनेस ना। तो ऐसा है, अभी हम लोग आज एक वेन्यू चूज किया है, SP ऑफिस, लॉर्ड सुबनसरी पुलिस का जो ये SP ऑफिस है उसको हम लोग चूज किया है, क्योंकि हम लोग जब पुलिस जो है हम लोग का पब्लिक का भलाई के लिए 24/7 ड्यूटी करता है, तो हम लोग उसको एप्रिशिएट करने के लिए भूल जाता है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होने से हम लोग पब्लिक नारा लगाता है, ऐसा भी नहीं होना है, आफ्टर ऑल देयर ऑल्सो ह्यूमन। तो इसलिए हम लोग आज देखा है तो ये प्रीमिसेस में हम लोग को लगा है कि प्लांटेशन का जगह है, तो इसलिए हम लोग पुलिस को हम लोग इनकरेज करके एप्रिशिएशन के तौर में हम लोग लॉर्ड सुबनसरी टीम आज यहाँ आके SP ऑफिस में हम लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग मार्केट में जाएंगे, रोड शो करेंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन ड्रग्स एंड रोड सेफ्टी। सर जो ड्रग्स को लेकर आप लोग काफ़ी मुहिम चला रहे हैं जैसे को देखने को मिल रहा है आप लोग का मिसेस लॉरेंस मेंस्ट्री की तरफ से, अभी आप स्ट्रीट प्ले करेंगे बोल रहे हैं, तो सर उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग जो वर्ड्स है आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है या जो पब्लिक है और जो आपको सुन रहे जो ड्रग्स लेते हैं वो आपको सुन के कहीं कहीं ना कहीं मोटिवेट हो सके, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या रहेगा उनके लिए? मैं तो यही कहूँगा जो ड्रग्स फेल्डर्स है जो इसमें किंग पिन है लॉरेंस मेंस्ट्री में चाहे अरुणाचल में हो, उसके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको पकड़ेंगे। आप ये समझते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, सेलिंग करके उसको खिला रहे हैं, वो मालूम नहीं होगा, वो खाते खाते एक बार उसका फैमिली को भी इफेक्ट होगा, क्योंकि ड्रग्स का कंट्रोल जो है जब तक पेडलर सप्लाई करते रहेगा, खाने वाला स्प्रेड होगा, उसका परिवार में भी आ जाएगा, और वो सबसे मिस्टेक वो कर रहा है। इसलिए हम लोग अभी हर तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अरुणाचल असेंबली में ऐसा एक लेजिस्लेटिव एक्ट एनेक्ट करे
जो भी फेल्डर हो, खास करके इम्प्लॉय पुलिस पर्सनल हो, जो भी हो, उसके लिए एक स्ट्रेजेंट एक्शन हम लोग असेंबली में पास करने के लिए हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोग का तरफ से ये आज एकदम इंटेंसिवली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ड्रग्स जीरो, ड्रग्स, ड्रग्स और नशे फ्री हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सर आज यहाँ पर एक सबटाइटल भी दिया जाएगा जो मिसेस टूरिज्म का, तो सर उसको किस बेसिस में आप लोग जज करेंगे और कौन करेगा? इसमें जजेस को हम लोग अब मेंशन नहीं करेंगे, आज का परफॉर्मेंस देख के शाम को हम लोग कमिटी और हम लोग जज भी रखा है, अननोटिस जज हम लोग रखा है, वो जज करेंगे, जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको हम लोग ये टाइटल दिया जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।